मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम के खिलाफ आज से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। नवाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क बचाने के लिए तमाम जमातें हमारा साथ दें, कानून की बालादस्ती के लिए कौम भी मुत्तहिद हो जाए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ये बताएं, अदालत से जद्दा तक सफर अदलिया के किस फैसले के तहत किया, नून लीग लॉन्ग मार्च तो क्या शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकती। वजीर आजम की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अदालती फैसले पर अमल न करके हट धर्मी दिखा रही है। कराची के इलाके शेरशाह और पीआईबी कॉलोनी में फायरिंग, चार अफराद जाँ बहक, मुश्तल अफराद ने दो बसों को आग लगा दी। उधर लियाकताबाद इलियास कोर्ट से अम कमेटी के नौ मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा भी बरामद। लियारी में पुलिस और गैंगस्टर के दरमियान फायरिंग का सिलसिला आज चौथे रोज भी जारी, हालात बदस्तूर कशीदा, मकीनों का माड़ीपुर रोड पर एहतजाज। बलोचिस्तान अमनोवान केस की सुप्रीम कोर्ट क्वार्टर रजिस्ट्री में समाप्त, शाल कोर्ट और जिना टाउन से लापता होने वाले तीन अफराद को अदालत पेश करने का हुक्म, वज़ाही अगवा में मुलविस हों तो किससे बेहतरी की उम्मीद रखी जाए, चीफ जस्टिस के रिमार्क। अमरीकी शहरी रेमन डेविस के हाथों कत्ल होने वाले फैजान के ससुर ने अपनी बीवी और बेटी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। एलपीजी की कीमतों में 15 रुपए फी किलो कमी कर दी गई, घरेलू सिलेंडर 175 और कमर्शियल 700 रुपए सस्ता हुआ। और बरतानिया में दो खवातीन ने शौकिया तौर पर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दी।